हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से ये कमेंट और मैसेज कर रहे थे कि सर बायो की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, ये मनोकामना भी आपकी पूरी हो गई और हम लोग बिल्कुल अब बायो पे भी डिस्कस करेंगे, इंग्लिश पे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तो कंटिन्यू वीडियोज़ ड्रीम क्लासेस पे आ रही थी। अब हिंदी, इंग्लिश, बायो, इन सभी टॉपिक्स पे हम पूरा पूरा ध्यान देंगे आपके लिए, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक हो आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम लोग लेसन दो के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दो पे डिस्कस करने का सिंपल सा मतलब है कि लेसन वन हमने क्लियर कर रखा था और लेसन टू का भी पार्ट वन हमने क्लियर कर दिया था। अगर आपने नहीं लिखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सभी का लिंक दे दिया है, आप देख सकते हो। तो लेसन टू का हमारा टॉपिक है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। और इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर दिया था सॉल्यूशन। तो देखिए, अब हम स्क्रीन को नीचे करते हैं धीरे धीरे धीरे, और 21 से हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी यहाँ तक हो गया था मेरे हिसाब से कि अनावृत्ति विज भ्रूण पोष होता है तो ये कैसा होता है, अगुणित होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल भी समय आपका नहीं लेंगे। थोड़ा सा हम कैमरे को जूम कर लेते हैं, वीडियो को थोड़ा, आई मीन स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से। 22 नंबर क्वेश्चन कि निषेचन क्या है। तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का एक संयोजन है, जो 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉपी में नोट करिएगा कि निषेचन क्या है, या अंडा तथा नर न्यूक्लियस का एक संयोजन है, मतलब सम्मिलित रूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए एकदम बिल्कुल स्पीड में, गति में बनाकर रखेंगे। चीर अस्थाई बाह्य दल किस में पाया जाता है, तो इस तरह के कंडीशन जो है ना वो बैगन में पाया जाता है, सब्जी है आपको पता है। चीर अस्थाई बाह्य दल किस में पाया जाता है, बैगन में पाया जाता है, ये आपने सुना भी होगा काफ़ी बार। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर अगर हम डिस्कस करें तो सवाल है कि पौधे का एक ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। तो पौधे का एक भाग होता है बीज जिसके अंदर दूसरी पीढ़ी होती है। तो सवाल पूछा जाता है बार बार कि पौधे का एक ऐसा कौन सा भाग होता है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है, ये हमारा आंसर होगा बीज। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगला सवाल है कि सत्यफल का निर्माण किस में होता है। तो सत्यफल का निर्माण अंडाशय में होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ के बायो का। ठीक है, सत्यफल का निर्माण किस में होता है, ये हमारे अंडाशय में होता है, बिल्कुल नोट करिएगा कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं कि वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। तो वायु परागित पुष्प जो सामान्यता होते हैं वो छोटे और रंगहीन होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं, ये हमारे छोटे और रंगहीन होते हैं। कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा कि वायु परागित पुष्प सामान्यता किस प्रकार के होते हैं, ये छोटे और रंगहीन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोग गति में बना के रख रहे हैं ताकि स्टार्टिंग है, आपको मोटिवेट हम कर सकें। और अगर आपने अभी तक ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा लें। अगर आप क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि टेंथ का भी बैच हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं, क्रैश कोर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पराग नलिका के बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है, ये मीजोगेमी कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या कहलाएगा, मीजोगेमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं कि आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है तो एनाटोपस। ठीक है, एनाटोपस जो है वो सामान्य प्रकार का बीजांड है आवर्त बीजियों में। सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि आवर्त बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार का बीजांड है, ये हमारा एनाटोपस। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण क्या है। तो सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण रेपल्स की उपस्थिति है। इसको हम डेरिवेट करेंगे जब आपको बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे वहाँ पे, कि सरसों के अंडाशय का मुख्य लक्षण है रेपल्स की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बहुभ्रूणता सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो जिम्नोस्पर्म में सबसे ज़्यादा बहुभ्रूणता पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि बहुभ्रूणता जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है या किस में होती है, तो जिम्नोस्पर्म में होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं कि पुष्प कृषि को क्या कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को क्या कहलाते हैं, या फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है,
चलिए पुष्प कृषि को क्या कहते हैं, फ्लोरी कल्चर कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 32 कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग, पुष्प के नर जनन अंग को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, पुमंग कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहा जाता है, तो जयांग कहलाता है, वो पुमंग होता है नर जनन अंग, और ये मादा जनन अंग क्या कहलाता है, जयांग कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं कि पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है, तो ये पुंकेसर दो भागों में बटा होता है। और अगर आपके पीछे के लेसन छूट गए हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, ऐसे होगा नीचे त्रिशूल टाइप का, उस पर क्लिक करिए, पूरा डिस्क्रिप्शन खुलेगा, क्लिक करिएगा, वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएगी एक एक कर करके, ठीक है। चलिए चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोरोफली, हाँ जी ये सही है बिल्कुल, कि चमगादड़ द्वारा परागण क्या कहलाता है। स्टूडेंट्स आप ड्रीम क्लासेस को नोट्स को, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है मतलब, पर टाइम बहुत कम है, ठीक है, ये सभी चीज़ें किताबों की तरह मेरे फ़ोन पे आ जाए, लिखा हुआ व्हाट्सअप पे आ जाए, तो आप हमारे चैनल का नोट्स खरीद सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6200733858। किताबों की तरह आपके फ़ोन पर 6 घंटे के अंदर हम आपके सभी नोट्स को भेज सकते हैं। ड्रीम क्लासेस के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स को आप खरीद सकते हो मात्र 499 रुपये में। ऑल सब्जेक्ट यानी 500 रुपीज़ में आपको 5 सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग नोट्स रहेंगे ये आपके लिए, ठीक है। तो चमगादड़ द्वारा परागण ये अब हो गया। 36 में हम आते हैं कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेता है, तो ये हमारा फूल भाग लेगा, ठीक है। सेमल में किसमें द्वारा परागण होता है, तो सेमल में पक्षियों के द्वारा परागण होता है, ठीक है। सेमल में किसके द्वारा परागण होता है, तो ये पक्षियों के द्वारा होता है। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 की परागनली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती अंडहारी प्रवेश, ठीक है। परागनली के बीजांड द्वार से प्रवेश करने की घटना कहलाती अंडहारी प्रवेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं कि भ्रूण कोष की उत्पत्ति किसमें होती है, तो गुरु बीजाणु में होती है, ठीक है। चलिए 40 नंबर की चींटियों द्वारा परागकण क्या कहलाता है, मॉर्मिकोफिली कहलाता है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए 41 में हम कहते हैं पराग तथा स्पर्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेलिनोलॉजी, ओके। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, पेलिनोलॉजी। ये वीडियो में तो तुरंत ख़त्म करना है इसलिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन बी होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होता है, तो धतूरा में होता है। परागकण में सबसे बड़ा केंद्रक कहलाता है जनन केंद्रक। और सबसे आखिरी क्वेश्चन कि सूर्यमुखी फूल के पौधों के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटों के बाद खो देते हैं, तो 3 घंटे के बाद खो देते हैं। ये हमें थोड़ा शॉर्ट में ये वीडियो बनाना था इसलिए हम लोग देखिए और भी इसी तरह से हम आपको नोट्स देंगे। ये दिख रहा है ना लेसन 3, 4, 5 ऐसे आपको दिखेगा नोट्स में। तो बिल्कुल हमने अपना नंबर दे दिया, व्हाट्सअप नंबर 6200733858। बिल्कुल ड्रीम क्लासेस के नोट्स को घर बैठे पढ़े और 80% से अधिक मार्क्स गेन करें, ये हमारा दावा और वादा रहा। ओके स्टूडेंट्स चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में लेसन 3 में।